जुड़ा हुआ होता है जिसके अंदर खुशी नहीं होती और वो उस वक्त तक उसके अंदर जिंदगी पैदा नहीं होती और उसके अंदर वो जीने की तमन्ना नहीं बढ़ती और तरक्की करने का सफर नहीं शुरू होता जब तक उसके घर में बच्चा नहीं है। ये वो चीज होती है जो एक फैमिली को जोड़ती है, सीमेंट करती है, रिश्ते को आगे बढ़ाती है और यही इंसान की तरक्की का सबब है कि उसने हमेशा उन बच्चों को अपने से बेहतर किया और अपने से बेहतर करके वो बच्चों ने फिर दुनिया को बेहतर किया और ये सफर जारी है और जारी रहेगा। डेप्रिवेशन ऑफ चाइल्ड इज ए बिग कर्स और एक एग्नाइजिंग की तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर सबसे दो दफा साल में लोग जमा होते हैं 20,000 के करीब, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन प्रोडक्शन की, अमेरिका से 10% है और हम जितने ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो करते हैं। इसके बाद जो है मैं हमारी एक पेशेंट हैं अस्मा साहिबा, उनके जो है 2000 तालियां में चाहिए। इसका जो मकसद है तकलीफ का वो ये होता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपके सामने बेबी माशाल्लाह से इतना प्यारा सा उनके गोद में और अभी भी वो सेकेंड बेबी के लिए यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट जो है वो है। अब मैं अस्मा साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ पे और जो करेंटली भी वो ट्रीटमेंट पे है वो थोड़ा सा साहिब साहब से और हमारे जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे उन सबसे शेयर करें। मेरे पास कोई बच्चा मिलता नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जब हम आते हैं तो बहुत उन्हें गाइड करते हैं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। जब हम शुरू में आए तो हम बहुत नाउमिल थे लेकिन हनी सर जो है इन्होंने मेरे शोहर को भी बहुत उम्मीद लगाई, बहुत गाइड किया इन्होंने शुरू में। जब यहाँ आए तो हैदराबाद में इनकी शादी अब चैलेंज करते थी तो वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर नमिता से मैं वहाँ मिली तो उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद दिलाई बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर पूरा तो रमान से मिलवाया, डॉक्टर अजान से मिलवाया। तो मैं जब यहाँ आई और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने, अल्लाह का शुक्र लेकिन आपने दोबारा यहाँ पर एफ ए टी के लिए दोबारा देखे हूँ तो आप लोग जी शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। गिफ्ट हमारी तरफ से ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ जो है वो समझते हैं और साहिद साहब भी उसमें से एक हैं। इसमें से मेरे ख्याल में शोबिस का भी और वैसे भी सोशल वेलफेयर हर तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। माशाल्लाह से इन्होंने जो है पिछले दिनों एक बहुत बड़ी फिल्म भी की, उसके बाद जो है होस्ट तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के नंबर वन है ये और हमारा जो एक इवेंट था छोटा सा ऑस्ट्रेलिया डे उसमें शाइस्ता साहिबा भी आई हुई थी परसों, तो इनको उसके लिए भी मैं इनको थैंक यू करूंगा। तो इनके जो कीमती वक्त है उसमें से इन्होंने जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आखिर में माइक पास करूंगा साहिब साहब को कि वो अपने जो कुछ कोई पेशेंट के लिए जो मैसेजेस हैं या उनके जो एहसास हैं यहाँ पे आके जो उन्होंने पेशेंट्स को देखा और ये जितने पेशेंट्स यहाँ पे बैठे हैं ये सब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनके जो है माशाल्लाह से यहाँ से पॉजिटिव हो और बेबी इनको मिले, तो मैं ये माइक उनको पास ऑन करता हूँ। मेरे लिए ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी अहमियत का इसलिए भी हामिल है क्योंकि 4 साल पहले मेरे घर मेरी साहब थी। इंसान को औलाद स्पेशली बेटी चेंज कर देती है, बिल्कुल चेंज कर देती है। मैं आज यहाँ क्यों आया, वैसे तो सर की अपनी शख्सियत ऐसी है जो किसी तारों की मोहताज नहीं है, पर जो आप लोगों ने काम किया वो बहुत बड़ा काम है।
लेकिन जब ऋषि भाई मेरे शो पे आए थे तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके देखा है। मेरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो वक्त की रोटी कभी नहीं खा सकते, लेकिन ख्वाहिश सभी की जैसी होती है। मुझे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स नहीं आती। हम एक फ्री क्लिनिक चलाते हैं जिसमें हम हर रोज 150 मरीजों को रोजाना देखते हैं। अब तक हमने 1.5 लाख के करीब मरीज देख लिए हैं 5 सालों के। हम एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी ऐसे सिस्टम डेवलप नहीं हुए। बहुत सारे लोग डॉक्टर सजाद जैसे, स्ट्रेट कॉन्सेप्ट जैसे, आप लोग वॉरियर्स हैं। मैं बहुत दर्द से आपको कह रहा हूँ, आप लोग वॉरियर्स हैं, बिकॉज आप जो उम्मीद आप दिलाते हैं लोगों को और जिस जापिशानी के साथ जिस तकनीकी अमल से आप गुजरते हैं और जो तहरीक आप लोगों में पैदा कर देते हैं और जिस तरह से वो यहाँ आते हैं और अपने मसाइल आपके साथ डिस्कस करते हैं, आई एम श्योर कि इसका अगर आपको अल्लाह ताला देगा। बंदे नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता, इसे अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा, इसके बाद मैं आपसे जाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये नॉलेज आप तक नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको फायदा हुआ है तो इसमें प्लीज शर्माइए मत, घबराइए मत, इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम अपने कंधे पे एक बैग लिए घूमते हैं, वो बैग मेरा भी है और आपका भी। उस बैग में लोगों की डाक पड़ी होती है, हम सब पोस्टमैन हैं। वो डाक अपने जाने से पहले लोगों को डिलीवर कर दे। अगर आप ये थैला लेके ऊपर पहुंच गए ना, बड़ा मसला होगा। जिसकी जो डाक है वो यहां दे दें, आपका ये बैग जाने से पहले खाली होना चाहिए। आखिरी बात ये डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात होगी अगर मैं इस सफर में आपकी तशहीर में कहीं जा सकूं तो। जहां जहां आप चाहेंगे मैं वहां वहां आ सकता हूँ। मेरा रेडियो, मेरा टेलीविजन, मेरी तमाम चीजें आपके साथ हैं और इसलिए भी साथ हैं बिकॉज आपके चेहरों पर जो खुशी है ना, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह से मुस्कुराता रखे। लेकिन ये खुशियां बांटें, ये खुशियां जाके और लोगों को बताएं। घबराए मत, औलाद देना अल्लाह ताला, क्योंकि हम हर सांस हर अमल सिर्फ खुदा के लिए करते हैं। घबराइए नहीं, इसको छुपाइए मत, ये लोगों में जाके आम कीजिए। यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स होते हैं और अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग जो जंग कर रहे हैं ये मामूली नहीं है। 1978 से लेकर 2020 तक का सफर एक बहुत लंबा सफर है। इस सफर में जेनेटिक साइंस, मेडिकल साइंस बहुत दूसरी जगह पहुंच गई है। चंद सालों में ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे जिनके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकेंगे कि उनके बालों का रंग कैसा होगा, उनका कद कैसा होगा। और अगर गिवन बाय 2030 इयर्स प्रेडिक्शन ये भी की जा रही है कि एज को रिवर्स कर दिया जाएगा। बाय 2029 एक ऐसी पल दरियाफ्त होने वाली है जो आप ले लें तो आपकी एजिंग भी वापस हो सकती है। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है, आप इस तरक्की में इनका हिस्सा बने। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, उसको इस्तेमाल करें और लोगों में खुशियां बांटें। आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। गॉड ब्लेस यू सर। पाकिस्तान की शान है, बहुत बड़ा नाम है शाहिद लोधी साहब का और बहुत ज्यादा हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो वैसे ही आपका फैन हूँ। तो ठीक है, सब मिलके जरा जोर से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।